गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सभी सही होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग्स की। ये देखिए हमारे नए हलवाई अंकेश जी पोहे बना रहे हैं यहाँ पे। जल्दी बनाइए। ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, देख लिए हमारे अंकेश जी ने बनाया है ना। चेक करके बताओ कैसा लग रहा है। एक नंबर। ठीक है, तो हमारी शादी में तुम ही खाना बनाओगे, हम बुक कर देते हैं आज से आपको, है ना। पोहे तुम ही बनाओगे हमारे बारात में और हमारे मेहमानों के लिए। मेरी बाइक की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कीचड़ में चलते चलते कि मुझे आज इसको धुलवाने के लिए लाना पड़ा। तो मैं इसको धुलवाता हूँ यहाँ पर, फिर आगे बताता हूँ आपको, बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। गाइस, फाइनली आज मैं अपनी बाइक को धुलवाने के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर सिर्फ धुलाई सेंटर पर। तो अभी जस्ट वेट करते हैं थोड़ी देर का, उसके बाद बाइक को धुलने देते हैं। ये छोटे भैया अभी बिस्किट खा रहे हैं, उसके बाद जो है धुलेंगे। बाइक धुलते ही एकदम नई जैसी चमकने लगी है, बहुत ही शाइनिंग मार रही है और एकदम पूरी कीचड़ इसकी साफ़ हो चुकी है। इस भैया ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है धोने में, इसको बहुत बहुत थैंक यू मेरी ओर से। मात्र 40 रुपये लिए थे इन्होंने मेरे से बाइक धुलवाने के लिए। अगर आप भी कभी आएँ तो ज़रूर आएँ यहाँ पर। ये है खुरेरी, ग्वालियर का डेवलपिंग एरिया, जहाँ पर धनरुआ रोड पर मिलता है आपको। जब आप कैंटोनमेंट एरिया को निकल कर आते हैं आर्मी चौराहे को, तो आपको यह मिलता है। ये नाश्ते का ठेला है, कुछ खाया जाए। गाइस, फाइनली हम लोग खुरेरी में आए हुए हैं और यहाँ पे नाश्ता कर किया था हम लोगों ने। तो जलेबी और समोसा किसी को भी खाना हो तो जरूर आए यहाँ पे अपने भैया के ठेले पे। श्रीराम मिष्ठान भंडार है खुरेरी के पास में। ठीक है भैया, आप लोग अगर कुछ कहना चाहें। हम लोग हर बार यहीं आते हैं और बहुत अच्छा नाश्ता देते हैं।